सिली प्रखंड में बुधवार को खेलगांव लगाम स्थित कला संस्कृति भवन में हिंडालको सिलीमुरी की ओर से मुआवजा के लिए लाभुकों को चिन्हित कार्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिली विधायक सुदेश कुमार महतो उपस्थित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंडालको रेड मठ के पास किसान पिछले 2 वर्षों से खेती नहीं कर सके, इसके लिए उन्हें हिंडालको की ओर से मुआवजा की राशि दी जाएगी। हिंडालको रेड मठ घटना के दौरान हुई फसल क्षति का मुआवजा किसानों को मिलेगा। इनमें किसी तरह की कोई त्रुटि ना रह जाए, सभी आश्रितों को लाभ मिलेगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। ग्राम कमेटी प्रत्येक आश्रित का सूची तैयार करे और इसके बाद किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न ना हो। ज्ञात हो कि 9 अप्रैल 2019 को प्लांट के तालाब की दीवार टूट गई थी, इसके चलते सारा कचरा आसपास के क्षेत्र में फैल गया था। हादसा होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने CTO वापस ले लिया था, इसके बाद प्लांट बंद कर दिया गया था। मौके पर दिल्ली आंचल अधिकारी गिरिजानंद किस्कु, हिंडालको HR राकेश तिग्गा, अरुण राय, लगाम ग्राम कमेटी के बलराम हजाम, सुरेंद्र महतो समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। गुंडू बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ने मनोज कुमार झा हत्याकांड के मामले में कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार किया। अधिवक्ता मनोज कुमार झा रड़गांव में सोमवार को गोली मारकर हत्या करने के विरोध में गुंडू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने SDM बुंडू अजय कुमार साहब और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू अजय कुमार को एक ज्ञापन देकर यथाशीघ्र हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की। इसके साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा के साथ अन्य सुविधा देने की मांग की गई। इसके पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गिरीश महतो की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन 2 मिनट का मौन रखकर की गई। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर महासचिव शिवशंकर महतो, उपाध्यक्ष रामचरण महतो, आनंद राम महतो, रितेश जायसवाल, संजय मुखर्जी, दुर्गा राय, राजेंद्र महतो, वासुदेव प्रमाणिक, विकास गुराई, संजय पांडे, मुरली सुंदर पांडे, परमेश्वर महतो, दिनेश कोयरी, मनोज चौधरी, मोन व्रत मुखर्जी, सूरज लाल मुंडा, श्रीमती कल्पना राव, सदानंद मुंडा, दुर्योधन महतो, परमानंद महतो आदि मौजूद थे। बुंडू अनुमंडल के पांगुरा गांव में आज बुधवार को आयकर की टीम पहुंची। बुंडू में आयकर विभाग की टीम पहुंची। बुंडू के पांगुरा निवासी रामदास मांझी के घर पहुंचकर आयकर विभाग घंटों देर से पूछताछ की। आयकर की टीम 5 से 7 गाड़ियों से आई। अचानक गाड़ी आने से लोगों में अफवाह की स्थिति हो गई, हालांकि बाद में लोगों को भी जानकारी मिल गई। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग जिस घर में छापेमारी की है वह व्यक्ति रामदास मांझी जमींदार है। बताया जा रहा है कि जमीन की बिक्री बड़े पैमाने पर की गई थी। सूत्रों के मुताबिक यह छापेमारी टैक्स चोरी के मामले की जांच के लिए की जा रही है। हालांकि आयकर विभाग की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि किस मामले में यह छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि किन दफ्तरों और परिसरों पर रेड की गई है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।